तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत गाय, जो कि अभी इसमें से लगभग 35 गाय आ चुकी है। मैं PDFA मेला 2019 में पहुँचा हुआ हूँ, जो कि जगराव मंडी में लगा हुआ है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये अडल्ट HF काऊ का कंपटीशन चालू है, जिसमें पता ये करना है कि कौन सी सबसे बढ़िया ब्रीड में अडल्ट में है, जो लगभग तीसरी जात की सभी गाय मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जो लगभग 40-50 लीटर पर डे का उनका दूध कैपेसिटी है। दूध की कैपेसिटी लगभग 40-50 लीटर सभी गाय का है। जिन्ना उन्हों सही तरह तोरोंगे उन्नी वधिया जजमेंट जज दे सकूगा। तो ये मुकाबला अपना आज दे अपने जोड़े पंजाब दे मिनिस्टर आ रहे हैं, जोड़े पहला आसी गए एनिमल सेमेंट्री सदा प्रवीण सिंह सिद्धू और हेल्थ मिनिस्टर ने तरफ तरजेंद्र भाजपा जी जोड़े के हूँ मौजूदा मिनिस्टर ने उन्होंने भी ये कि वधिया बन चुका। ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਵ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੂਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਵੱਧ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 40 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 40 ਚੋਂ 10 ਕੱਢਣੀਆਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਲੀ ਗਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਛਾਲਣ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 2-3 ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਪਏ ਹੈ। 35 गाय में 10 गाय मात्र सिलेक्ट होगी, उसमें से अब देखते हैं कौन सी 25 गाय बाहर जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जो ये कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया, जो कि लगभग मैं समझता हूँ कि 40-50 लीटर दूध निकालना खाने की काम नहीं है, और काफ़ी बढ़िया किसान भाई ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, फिर भी कंपटीशन में लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इनकी थन की बनावट जो है गुलाबी कलर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कलर किया हुआ है। परदे होने हैं जो कोई इन्फेक्शन हो या सुन तो बाद आज इतने अपनी स्टेज लगी है रिंगा के कोल, उत्थे मुंडा बैठा, अगर किसी को चाहिए है लबोल तो उतो लै लवे। सो ये मुकाबला तैयारी सारे की बहुत पूरी है। गां साहब भाई थके भी हुए ने पशु, पर फिर भी थोड़ा पहला राउंड जो जसा कलर नहीं किया गया है, ये कलर ही ऐसा है। आप कुछ बोलना ना, नाम है बोलूंगा, नंबर काफी रेड कलर होता जा रहा है, ये देख सकते हैं। बाहर जान के 1007 तो अनाउंस हो रहा है कि ये सभी गाय बाहर जाएगी, 1007 ये बाहर जाने वाली है। तो अब देखते हैं यही ये बाहर का गेट यहाँ पे है, अब देखते हैं कौन सी गाय बाहर जाती है। ये तैयारी का क्या उन्होंने अपने आप में देख दिया, कहने की जरूरत नहीं, शो के बीच ये भी बात है, वो भी दिख दी है सारी गल कम करते हैं कंपटीशन के बीच। हेलो हेलो हेलो, जिन्ना जोर गावान का लगे वो उन्ना ही बंदे भी जो फरन वाले हैं जी, वो भी माड़ा जहा करंट के रहो सरे, चौकी की शाल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ।
ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਏ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰੋਂ ਇਹ 55 ਪੂਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਪੂਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ तो दोस्तों लगभग कंपटीशन होने को है ये फाइनल होने को है ये देख सकते हैं मात्र 10 गाय बच रही है 35 गाय में यहाँ पे फर्स्ट कौन आता है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सभी गाय मैंने आप लोगों को दिखाया था कि काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत काफ़ी बढ़िया ब्रीड काफ़ी ज़्यादा दूध करने वाली गाय सामने आप देख पा रहे थे अभी पहले नंबर पे 11844 को लगाया गया है कोई ज़रूरी नहीं कि वो पहला नंबर हो सकता है बट वहाँ पे रखा गया है तो लोग समझेंगे कि पहला नंबर वही है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की फोटोग्राफी ना दी अड्रा दी इन्हां दे स्टाइल दी काफ़ी शानदार तो आप देख सकते हैं सभी गाय काफ़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ से आप गौर करके देखे हैं ऐसा लगता है गायों के मंडियों में आ गए हो आप इतना मंडी में भी देखने नहीं मिलेगा एक से बढ़कर एक काफ़ी शानदार यही मज़ा लेने के लिए यही देखने के लिए हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर आकर देखें कि HF में कितना आगे बढ़ चुका है पंजाब हरियाणा सभी गाय काफ़ी शानदार इसमें एक नंबर पे कौन आएगा अभी कहना बहुत ही मुश्किल क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जज साहब सभी को जज कर रहे हैं कि कौन सा नंबर वन दिया जाए हमारे अंग्रेज भाई जज साहब लगे हुए हैं कोई कसर ना छूट जाए पंजाबी में यही बताया गया तो जज जिस गाय पे तो अब जिस गाय पे ये हाथ रखने वाले हैं वो नंबर वन होने वाला है तो अभी भी इनको भी शक हो रहा है कि किस गाय पे रखा जाए कौन सा नंबर वन है एक्चुअली सब एक जैसा दिखता है कलर भी आप देख सकते हो पहचान नहीं पाओगे अगर टैग वगैरह निकाल दी जाए तो कौन सी गाय किसकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको नंबर वन की जाए ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल क्योंकि इस मेले का ये लास्ट है यानी कि इसके बाद अब कोई कंपटीशन नहीं होगा इस मेले के बाद अब गाय ने कितनी लीटर दूध निकाली अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ हम लोगों को भैंस ने तो 32 लीटर निकाल के नंबर वन बनी है 32 लीटर ने जी इन्हों चो किसी एक दिन हाथ रखना फर्स्ट है तो दोस्तों इस ये गाय ने फर्स्ट नंबर निकाला है आप देख सकते हैं काफी शानदार गाय पहले भी दिखाया था काफी शानदार पहला नंबर है अब तो आपको साउंड में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी भीड़ हो गया है पशु मंत्री यहाँ के जो पशुपालन मंत्री हैं पंजाब के वो यहाँ पे आ चुके हैं काफी ज्यादा भीड़ हो गया है रिंग के अंदर ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੇੜੀ
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें क्योंकि काफी भीड़ हो गया है और आवाज साउंड आएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर नहीं आता है जगदीश सिंह लौंगोवाल जी।